करते हैं विदिशा की, जहां कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सड़कों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर राशन कार्ड नहीं बनाए जाने व बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिए जाने के विरुद्ध में रैली निकालकर नगर पालिका परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मटका फोड़ आंदोलन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता दीपक वाजपेयी ने बताया कि नगर पालिका की ओर से विदिशा में दतिया रोड निर्माण किया गया है, उसमें घटिया सामान यूज किया गया है, जिसके कारण शहर की लगभग 200 सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। यहां तक कि कलेक्ट्रेट से अहमदपुर चौराहे तक की सड़क, जहां कलेक्टर, न्यायाधीश और आला अधिकारी रहते हैं, वह सड़क भी जर्जर हो रही है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों इन्हीं गड्ढे की वजह से एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी अब तक सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन लोगों का बाढ़ में नुकसान हुआ है उनको कम मुआवजा मिला है और भाजपा से जुड़े लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला है, इसलिए बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार ने बताया कि शहर की जर्जर सड़कें और नगर पालिका में चल रहा भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया गया है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ पर कोई भी काम बिन पैसों के नहीं होता है, जिसके कारण गरीब और असहाय लोग परेशान हो रहे हैं। आज प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चिताया है, अगर नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, नगर पालिका में तालाबंदी की जाएगी, इसके साथ ही CMO का मुंह काला किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुभाष बोहत, जिला महामंत्री विवेक ठाकुर, आनंद प्रताप सिंह सहित अरुण अवस्थी, बंटी सक्सेना, अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।